हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बेकार कुर्ती की मदद से बनाएंगे बहुत ही यूज़फुल चीज़। तो यहाँ पे मैंने एक एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती ली हुई है, ये ओल्ड हो चुकी है तो मैंने इसका यूज़ किया है। अगर आपके पास भी कोई ओल्ड फैशन की इस तरीके की कुर्ती है तो आप उसका यूज़ ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कट किया है और यहाँ से मैंने इसके बॉर्डर को निकाल दिया है। अब हम एक सर्कल पीस कट कर लेंगे इसका। तो यहाँ पे हमें ऐसे फोल्ड करना है और बस यहाँ से हमें एक सर्कल पीस को कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम डबल करेंगे तो हमारे दो पीस कट हो जाएंगे। और इसके बाद हमें इसी के साइज़ का स्ट्रिप भी ले लेनी है। तो जो नीचे मैंने बॉर्डर कट किया है वो ले लेना है और इसकी मेज़रमेंट हमें कर लेनी है, कितना बड़ा ये सर्कल हमारा है उसी हिसाब से हम इसकी साइड की स्ट्रिप भी ले लेंगे। तो इसको हमें मेज़र कर लेना है। ट्वेंटी एट इंच है तो इसका डबल हमें स्ट्रिप ले लेनी है। तो देखिए ये मैंने दो साइज़ का लिया हुआ है और आपस में इसको ज्वाइंट कर देंगे जिससे कि ये लंबा हो जाएगा। और इसके बाद अब हम सर्कल में एक सर्कल में इसको ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से इसको बराबर कर लेंगे। इसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी निकाल कर हम एक सर्कल पीस में ज्वाइंट कर देंगे। ये मैंने मेज़रमेंट कर लिया है, ये इसका 28 इंच का डबल आ रहा है। तो जितना भी बड़ा आपका हाफ सर्कल हो उसे डबल हमें लेना है और अगर छोटा पड़े तो आपको और साइज इसमें ज्वाइंट कर देना है। और अब हम सर्कल को इसमें इस तरीके से उल्टा करके ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से आप चाहे तो मेज़रमेंट कर लें और निशान लगा लें, एक कट लगाकर यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करें। यहाँ से इसको हम पूरा स्टिच कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से इसको अभी ओपन रखेंगे और ऐसे ही अब हम दूसरे साइड का भी सर्कल पीस ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से हम दूसरे पीस का भी सर्कल हम ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसमें फिलिंग कर लेंगे। तो कोई भी जितने आपके कतरन हैं बेकार जो आप इसे यूज़ नहीं करते उसको हम सारा इसमें फिल कर लेंगे। आप चाहे तो कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दुपट्टे वगैरह अगर बेकार हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले बॉर्डर्स इसके बनाने हैं। तो यहाँ से हमें इसे पकड़कर आप बॉर्डर्स बना लें, या तो कॉटन के या तो फिर इसके फिलिंग के बाद भी आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ से हम इसे इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे। ऐसे करते हुए हम पूरा बॉर्डर बना लेंगे और इसमें अच्छे से फिलिंग कर लेंगे। तो अभी हम और इसमें फिलिंग करेंगे। आप चाहे तो दूसरे साइड में भी बना सकते हैं बॉर्डर को। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड में अच्छे से बॉर्डर्स को बना दिए हैं और ये हमारी एम्ब्रॉयडरी इस साइड आ गई है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइनर कोई भी कुर्ती की मदद से इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इसके जहाँ से हमने फिल किया है उसको हम सुई धागे से बंद कर देंगे। तो देखिए ये बनकर रेडी हो गया है। इस तरीके से आप ओल्ड कोई भी कुर्ती से कोई भी बेकार दुपट्टे की मदद से इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। बट दुपट्टा मोटा रहे और अगर एम्ब्रॉयडर्ड है तो इस तरीके के कोई भी मोटे दुपट्टे से भी आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। बेकार ओल्ड कुर्ती का बहुत ही अच्छा यूज़ है। इस तरीके से बच्चों के पढ़ाई के लिए या तो फिर फ्लोर के लिए आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं।
कालीन पर आप इसको रख सकते हैं साइड में, जिससे कि बच्चे इस पर ईजी बैठ सकते हैं। तो ऐसे ही अब हम एक और बनाएंगे। तो ये हम मैं बनाऊंगी बेकार कोई भी लॉन्ग कुर्ती जीन्स की, अगर आपके पास हो तो आप ले लें। ये मेरे पास इस तरीके की कुर्ती थी तो मैंने इसका यूज़ किया है। उसके बाद सबसे पहले हम इसके स्लीव को कट कर लेंगे। ये शॉर्ट कुर्ती थी तो मैंने इसका यूज़ किया है। और यहाँ से हम इसके कॉलर को और स्लीव को कट कर लेंगे। कट करने के बाद सिंपली हम यहाँ से इसको बराबर करेंगे नीचे से भी। और इसके बाद अब हम इसके जो बटन वाला एरिया है उसको भी हम स्टिच कर देंगे। देखिए ये मैंने स्टिच कर दिया है। अब हमें चारों तरफ से एक एक कट लगा देना है। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 3-3 इंच की दूरी पर, 2 या 3 इंच की दूरी पर निशान लगा लें। और इसके बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। ऐसे ही हम चारों तरफ इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। निशान लगाकर कट कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। इसके बाद हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग हमें कैसे करनी है, यहाँ से इसको पहले हम स्टिच कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ से ऐसे ये दोनों सिलाई को आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से ये बन जाएगा। ऐसे करते हुए हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। एक साइड से हम इसको ओपन रखेंगे ताकि हम इसको सीधा कर पाएँ। और इसके बाद हम इस तरीके से इसको कॉर्नर्स को निकाल लेंगे और यहीं से हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। तो इसमें भी आप कतरन या रुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे करते हुए आप पूरी इसकी फिलिंग कर लें। इसके बाद अब हम इसका बॉर्डर चाहे तो बना सकते हैं यहाँ से। तो देखिए मैंने एक स्टिचिंग लगा के इसके थोड़े थोड़े बॉर्डर्स बना दिए। अब हम इसके साइड को भी बंद कर देंगे सुई धागे से। आप चाहे तो इसको भी बंद कर सकते हैं। इसके बाद आप बीच में यहाँ पे बटन्स लगा दें। बटन लगाने के लिए हम कोई भी इस तरीके से पॉइंट्स बना लेंगे 4। और इसमें हम कोई भी रेडीमेड बटन या फिर इसी जीन्स का बटन आप बनाकर इसमें लगा सकते हैं। तो ऐसे खींचकर आप इसको धागे से पहले सेट कर लें और उसके बाद आप चाहे तो इसमें बटन लगा दें। तो ऐसे खींचकर हम इसको सेट कर लेंगे और इसमें इसी कलर का कपड़ा लेकर हम बटन बनाकर सॉफ्ट सा इसमें लगा देंगे। तो ऐसे करते हुए हम पूरा इसको बना लेंगे। इसके बाद अब हम 4 पीसेज ऐसे ही बनाएंगे और इसके बाद अब हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। तो देखिए ये मैंने चारों में ऐसे लगा दिया है और ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। इसको आप चेयर के लिए, बैक साइड के लिए, चेयर पे बैक साइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। इससे आपके बैक साइड में अगर प्रॉब्लम है स्टिचिंग करने में, सिलाई मशीन चलाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको लगा कर स्टिच कर सकते हैं। चेयर के लिए बना सकते हैं,
सोफ़े के लिए बना सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी वेस्ट कुर्ती की मदद से आप इस तरीके का DIY कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों चीज़ पसंद आई होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।